तो क्या आपको ये तो जो काम कर रहा है उसे पता होना चाहिए ना कि उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। उसने इवन के ये लोग तो अपनी फैमिलीज के साथ भी ये बातें डिस्कस नहीं करते जो वो मोबाइल पर डिस्कस करने बैठे। अच्छा, जो है वो पाकिस्तान की कोई खबरें जो है वो पाकिस्तान आर्मी की वहाँ पे चले जाते हैं तो ये पाकिस्तान की कमजोरी है। इंडिया की इसको हम इंडिया की हरकतों को गलत नहीं कहेंगे क्योंकि एटॉमिक एनर्जी में जितने भी लोग काम करते हैं चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में या जिस तरह की चीज़ें, तो उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस किया जाता है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ भी पर्सनल नहीं होती है। एक बहुत बड़ी जो खबर आ रही है और इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कि एक इंडियन जो है वहाँ के मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या कुछ इस तरह की उनका एक डेजिग्नेशन थी, तो वो किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ उनका कोई अफेयर या इस तरह की चीज़ें आई हैं। और फिर बातें ये भी सुनने में आई हैं कि इंडिया का जो अग्नि 6 मिसाइल है उसके जो सीक्रेट्स से कि वो किस तरह से और क्या है वो लीक किए गए हैं पाकिस्तान को। और अब ये जो DRDO स्पाई केस है इसमें क्या चैट्स हुए और क्या होने वाला है, तो एक डेवलपमेंट देखते हैं और ये इस सारे मामले को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स, आई एम प्रशांत धवन। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंडियन को पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस इस टॉपिक के बारे में फैलेगी चांसेस हैं कि भविष्य में ऐसा फिर नहीं होगा। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मुंबई का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जो मुंबई की पुलिस है, उनका एक अलग से ATS स्क्वाड है, आप सबको पता होगा बहुत ही फेमस है, कई आतंकवादियों को वो पकड़ चुके हैं। तो ATS ने रिसेंटली एक चार्जशीट फाइल करी, 1600 से ऊपर पन्नों की एक चार्जशीट फाइल करी DRDO साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर पर। नाउ इस साइंटिस्ट पे आरोप ये लगाया गया है ATS द्वारा कि इन्होंने एक हनी ट्रैप में फंसकर, मतलब कि मोबाइल पर चैटिंग के दौरान इन्होंने ये समझ लिया कि कोई महिला है वो इनसे प्रेम करती है, जबकि दूसरी साइड में कोई महिला नहीं थी, एक पाकिस्तान का एजेंट था जो इनसे रोमांटिक तरीके से बात कर रहा था। और इसी सब में इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट सीक्रेट मिसाइल से रिलेटेड, इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड ये लीक कर दिए। ये सब आरोप इन सब पर ATS ने लगाए हैं। अभी केस चलेगा, उसके बाद प्रॉपरली अगर इनको गिल्टी ठहराया जाता है तो हम कहेंगे ये गिल्टी है। अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि इन पर ATS द्वारा आरोप लगाए गए हैं, मगर जो डिटेल सामने आई है, जो चैट सामने आई है, ये बिल्कुल शॉकिंग है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते यहाँ पर कि कुछ भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है कि कितने सीक्रेट्स इंडिया के मिसाइल से रिलेटेड, कितने सीक्रेट्स पाकिस्तान के हाथों चले गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, किस तरीके से DRDO साइंटिस्ट जिनकी एज 59 की है ये इस झमेले में फंस गए। आज के समय ये खुद ही रिग्रेट कर रहे होंगे कि कहाँ चला गया मैं, किस रास्ते में चला गया। इन्होंने वैसे कोशिश करी थी यू टर्न लेने की, मगर तब तक थोड़ा सा लेट हो चुका था मामला। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एक प्रीवियस वीडियो में, ग्लोबल पीस इंडेक्स जिस पे रैंक 1 आई है आइसलैंड की, इस इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक क्या है? यह है अबे आपकी ऑप्शंस, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो ये सारा किस्सा शुरू होता है जून 2022 में प्रदीप साहब को एक मैसेज आता है सोशल मीडिया ऐप से, या तो इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप की यहाँ पर बात की जा रही है। एक सोशल मीडिया ऐप से इनको मैसेज आता है और मैसेज भेजने वाला ये क्लेम करता है कि वो एक महिला है और उसका नाम है जारा दास गुप्ता। नाम ही थोड़ा सा एक अजीब सा है, मगर DRDO के साइंटिस्ट प्रदीप साहब मान गए, उन्होंने ये बात एज्यूम कर ली कि ठीक है कोई जारा नाम की यहाँ पर लड़की होगी और वो प्रदीप साहब से इन्फैचुएटेड है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, जो ये कोट एंड कोट जारा कैरेक्टर है इसने बहुत ज्यादा मीठी बातें करनी स्टार्ट कर दी, बेबी जैसे वर्ड्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया और प्रदीप साहब ने जारा से चैटिंग करी जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। ये टाइम पीरियड देखिए इंडिया को काफी भारी पड़ा, क्योंकि चार्जशीट में ये बताया जा रहा है, जो चार्जशीट में बातें लिखी हुई है, जो रिपोर्ट में सामने आई है बातें, उसमें ये बताया गया है कि जारा पहले तो ये क्लेम करती थी कि ये प्रदीप साहब के काम में बड़ी इंटरेस्टेड है, कि ये DRDO में काम करते हैं, वाह सो ग्लैमरस, तो आप मिसाइल बनाते हैं इंडिया के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं। तो इस प्रीटेक्स्ट में उसने बातचीत करना स्टार्ट किया और उसके बाद आप चैट्स में देखोगे तो ऐसा लगता है
कि जारा ने ईगो स्ट्रोक करी है, ऐसे सवाल पूछे हैं कि अच्छा आजकल रुस्तम ड्रोन बड़ा न्यूज में है, क्या रुस्तम ड्रोन पे आप काम कर रहे हैं, क्या ब्रह्मोस के लॉन्चर्स पे आप काम कर रहे हैं, क्या अग्नि 6 को लेकर आपने काम किया है। तो बहुत सारी चैट सामने आई है जहाँ पे लिटिल यामिन देख कर दुख लगता है कि क्या हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे जारा ने यहाँ पर लिखा है कि बेब आई जस्ट सॉ यू आर वर्किंग ऑन दिस। यहाँ पे ऑफकोर्स बात हो रही है सर्फेस टू एयर मिसाइल की, SAM की। उसके जवाब में प्रदीप साहब कहते हैं कि हाँ जी मैं इन पर भी काम कर रहा हूँ। जरा पूछती है कि ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, वो कहते हैं कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मिसाइल बनाओगे ये आर्मी को दोगे एयरफोर्स को दोगे, वो कहते हैं आर्मी एयरफोर्स दोनों को मिलेगा। तो फिर वो आगे पूछती है कि वो टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ना अब आपके माइंड में भी आएगा कि प्रदीप साहब के माइंड में एक बात नहीं आई कभी कि सामने वाली जो ये लड़की है जारा कोट एंड कोट जो भी इसका नाम है जारा, ये प्रदीप साहब से ज्यादा इस बात को लेकर इंटरेस्टेड है कि मिसाइल की टेस्टिंग कहाँ हुई, मिसाइल की रेंज क्या है, क्या मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुल था अनसक्सेसफुल था। तो ये सब बातें इवेंचुअली प्रदीप साहब के माइंड में भी आई होगी और इन्होंने जारा से बिल्कुल बात बंद कर दी फरवरी 2023 तक। इनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शक हो गया होगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं लग रहा, हर बात में यू नो सीक्रेट जानने की कोशिश करना और डिटेल्स निकालने की कोशिश करना, इनको यहाँ पे लग गया कि हो सकता है कि ये कोई और व्यक्ति हो। तो इसलिए प्रदीप साहब ने यहाँ पर जरा का नंबर ब्लॉक कर दिया। मगर चार्जशीट के हिसाब से जरा ने फिर से दूसरे नंबर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, ये पूछा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। और तब तक आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया में ATS इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके अलावा DRDO में कई ऑफिशियल्स हैं, उनको ये जानकारी मिल गई कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक की जा रही है। और उसके बाद मई 2023 में प्रदीप साहब को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद ये चार्जशीट सामने प्रेजेंट करी है ATS ने। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जो ये जारा थी या था, हमें पता ही नहीं है जारा बेसिकली है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दाढ़ी वाला कोई मोटा सा कोई आदमी हो पीछे चैटिंग कर रहा हो। बट मैं ये कहूँगा ये सब कुछ ना, इसको हनी ट्रैप कहते हैं, किसी व्यक्ति को फीमेल अट्रैक्शन का लालच देकर उससे इन्फॉर्मेशन अट्रैक्ट करना, इसे हनी ट्रैप कहा जाता है। हनी ट्रैप में इंडिया के बहुत सारे ऑफिसर्स एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये फंस रहे हैं। एक और हमको एग्जाम्पल दिखा था 2022 में जब एक DRDL के बारे में आपको बता होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDO का ही पार्ट है, इसके एक इंजीनियर ने न्यू कैपेबल मिसाइल्स का डेटा लीक कर दिया और यहाँ पर भी जो इशू था ये हनी ट्रैप का ही था। तो एक बात यहाँ पर मैं कह दूँ, पाकिस्तान और कुछ अच्छा करता हो या ना करता हो मगर लड़की की एक्टिंग मुझे लगता नहीं है कि इनसे बढ़िया और कोई करता होगा, मतलब ऑनलाइन जैसे ये चैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई रिपोर्ट देख चुका हूँ। अगर मैं अगर सारे केसेस गिनवाना स्टार्ट कर लूंगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। मैंने एक पर्टिकुलर केस देखा था जहाँ पर सेना भवन में एक कर्मचारी था सरकारी कर्मचारी, वो पकड़ा गया, वो भी एक पाकिस्तानी एजेंट से चैटिंग कर रहा था ये सोचकर कि ये लड़की है उससे प्यार करती है। जब इसको बताया गया ना कि जिससे तुम चैटिंग कर रहे ये प्रेम की चैटिंग वगैरह जो तुम्हारी चल रही थी ये एक्चुअली में एक पाकिस्तान का एजेंट है, उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। लिटरली मुझे याद है मैंने 2022 में आर्टिकल पढ़ा था, हनी ट्रैप्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टिल टू कम टू टर्म्स दैट द वुमन ही लव्ड वाज अ पाकिस्तानी एजेंट। उसको ना अभी भी माइंड में ये बात एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है कि जिससे मैं चैटिंग कर रहा था वो पाकिस्तान का कोई एजेंट था। तो मतलब जो लड़की की ये लोग एक्टिंग करते हैं इट इज प्रोबेबली फिनोमिनल, मतलब रिजल्ट हमारे सामने है। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ISI अपनी इन स्किल का इस्तेमाल सिर्फ इंडियंस पे करती है, ये लोग फेलो पाकिस्तानी पर भी काफी बार ये कर चुके हैं। इसके बारे में पाकिस्तान के कई फेमस जर्नलिस्ट, फॉर एग्जांपल अफसार आलम ने इसके बारे में लिखा था कुछ समय पहले। अफसार आलम के बारे में अगर आप नहीं जानते आपको बताना चाहिए, बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट है, काफी बार पाकिस्तानी मिलिट्री की आलोचना ये कर चुके हैं, ये ओपनली कहते लंबे समय से ये कह रहे थे, मतलब कई सालों से इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को इनकी आर्मी कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की ISI काफी बार ना पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी हनी ट्रैप करके उनकी वीडियोस उनके चैट्स वगैरह अपने पास स्टोर करके रखती है कि कल को मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन का नाम खराब करना है ना तो उसकी जो वीडियो है चैट वगैरह है वो रिलीज कर देंगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि सिंस एक जर्नलिस्ट पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी आलोचना करेगा तो इस पर अटैक्स भी होंगे। तो कई बार इन पर गोलियां चल चुकी है, बीच में 2022 में इनको एक गोली लगी भी थी बट थैंकफुली ही सर्वाइव। तो इन्होंने अपने ब्लॉग्स में काफी बार समझाया है कि किस तरीके से ISI अपना जो हनी ट्रैप है इसके लिए एक पूरा विंग बनाकर रखती है
लिटरली ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा अब क्या बोलना है बेबी, अब क्या बोलना है सोना है, पूरा लिटरली इनके पास एक यू नो टेम्पलेट होता है कि कैसे बात करनी है वगैरह, रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं ये लोग। और ऑब्वियसली देखिए हम लोगों का कंसर्न मेन ये है कि इंडियंस को इस हनी ट्रैप के बारे में प्रॉपरली पता, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने आपको कहा है कि इस न्यूज़ को चाहे आर्टिकल फॉर्म में और जगह सर्कुलेट करिए, इस पर चर्चा करिए, क्योंकि ये बात अगर अच्छे से लोगों को पता लग जाएगी कि कोई आदमी अगर डीआरडीओ में काम करता है, इसरो में काम करता है, यू नो सेना भवन में काम कर रहा है, कहीं से भी एक ऐसी ब्रांच में काम कर रहा है जहाँ पे उसे चैट करके कोई दुश्मन देश का कोई स्पाई कोई एजेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, तो उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक वैसे ही मैं कहूँगा कॉमन सेंस है कि आप अगर एक मेल है आपको रैंडमली सडनली कोई अटेंशन देनी स्टार्ट कर दे, आपके माइंड में इमीडिएटली एक अलर्ट आना चाहिए कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। बट सैडली हमारे केसेस में कई ये बहुत ही कैपेबल लोग हैं, इस हनी ट्रैप में ये लोग फंस गए। तो पहली बात तो देखिए अवेयरनेस लाना इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि वैसे ही लोगों को इसके बारे में पता हो। दूसरा काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया एप्स है ना, ये डीआरडीओ साइंटिस्ट के लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ऐसी एप्स बैन होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो इंडियन आर्मी ऐसे रास्ते पर चल चुकी है, आप इंडियन आर्मी को देखोगे तो इनका जो व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम वगैरह वेरियस और जो ऐप्स है इन्होंने बैन कर रखी है ताकि कुछ क्वेश्चन ही ना खड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे हनी ट्रैप के जो ये टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी यूज करें। तो ये जो लगातार हनी ट्रैप के केसेस सामने आ रहे हैं इसका यही सोल्यूशन है, अवेयरनेस और उसके अलावा सोशल मीडिया एप्स पे रिस्ट्रिक्शंस। और मेरा मानना यह है कि इन दो स्टेप्स को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आराम से ये प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ISI के जो एजेंट्स हैं उनके पास ज्यादा रूम बचेगा नहीं कुछ करने के लिए। तो ये मैं कहूंगा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा आसानी से हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, वी मस्ट स्टॉप दिस। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 126 है इस बार भारत की रैंकिंग आउट ऑफ 163 कंट्रीज। याद रखिएगा ये टॉपिक बहुत यूज में है, इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और मान लिया अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम क्या कहते हैं जी आप, उन्होंने बार बार एक चीज़ पे कहा कि इनके लिए बैन होनी चाहिए। आई थिंक सो एक तो ठीक है बैन होने वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, बट ये जो हनी ट्रैप है ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं, ये सबके लिए है, इवन कि मेरे लिए भी है आपके लिए भी है। ठीक है हमें ये तो बार बार कहा जाता है कि किसी पर यकीन ना करें। और सोशल मीडिया एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है, इस पर इतनी तरह के लोग होते हैं, इवन के टेररिस्ट तक, मतलब बहुत से लोग इससे कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने आप को, तो हमें तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखी जाए जहाँ तक वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, चलो लेट्स सपोज पाकिस्तान ने नहीं भी किया तो क्या आपको ये तो जो काम कर रहा है उसे पता होना चाहिए ना कि उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। उसने इवन के इन लोग ये लोग तो अपनी फैमिलीज के साथ भी ये बातें डिस्कस नहीं करते जब वो मोबाइल पर डिस्कस करने वाले। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो ये बातें अपनी जगह है कि चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी है, चाहे वो ISI है, चाहे वो इंडियन रा है या इंडियन भारतीय सेना फोर्स है, इन सबका अगर आप कहें ना कि जहाँ पे आप एक कामयाबी ये देखें कि पाकिस्तान ने जो है इंफॉर्मेशन इंडिया से निकाल ली। अब हालांकि हम कुछ ये अखलाकी तौर पे आप सोचेंगे जी ये नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी की आप एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहें कि चाहे जिस तरह भी है इंफॉर्मेशन जो है आपकी लीक हो गई और आपसे निकलवा ली गई तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी। इसी तरह अगर कोई इंडियन जो है वो पाकिस्तान की कोई ख़बरें जो है वो पाकिस्तान आर्मी की वहाँ पे चले जाते हैं तो ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है, इंडिया की इसको हम इंडिया की हरकतों को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि आप मिसाइल या ये बम किस वजह से बना रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, या पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाता है किसके लिए, इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। तो जब हम एक दूसरे के इस मामले में सगे ही नहीं है, हम तो एक दूसरे से इसलिए अपने वेपन्स बना रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ वॉर वाली सिचुएशन में आ गए, हमने जो है ना अपने आप को बड़ा मतलब रखना है, हम पाकिस्तान को ऐसे गिरा देंगे पाकिस्तान कहते हैं, तो फिर आप एक दूसरे की ये तो बंदा बातें वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बहुत से कोई दोस्त हो रहा है एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन जो है वो छुप छुप के ले रहा हो, जब पता है कि दुश्मन है तो फिर दुश्मनों ने दुश्मन की इन्फॉर्मेशन इसी तरह से लीक करनी है। अब एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ यह है कि देखिए पाकिस्तान में भी एटॉमिक एनर्जी में जितने भी लोग काम करते हैं चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में या जिस तरह की चीज़ें हो,
तो उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस किया जाता है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ भी पर्सनल नहीं होती है और वो पर्सनल लाइफ के अंदर भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इवन दो पाकिस्तान में मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जो शायद रिटायर हो चुके हैं अपनी पोस्ट से, लेकिन आज भी जो है उनके ऊपर एक ना चेक एंड बैलेंस है कि कहीं इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं कर रहे, कहीं ये कोई पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं कर रहे। और इसी तरह पिछले दिनों एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर थे राजा रिजवान, और उन्होंने क्या किया जी कि उनकी जो बीवी थी ना वो एक अमरीकी मतलब दफ्तर था, मतलब एक अमरीकी ऑफिसर था, तो उसकी बीवी जो था वो एक उसके साथ इसकी दोस्ती होगी और वो CIA का एजेंट थी। और फिर राजा रिजवान साहब ने जो है इनके दरमियान बहुत तरह के फिजिकल भी जो रिलेशन है आई डोंट नो ये हुआ या ना हुआ, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर राजा रिजवान ने भी जो है इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की लीक की फॉर स्पाइंग और उन्हें जो है हैंग कर दिया गया था उनकी इस गलत हरकत को लेके। तो ये बात अगर आप कहें कि जासूसी, तो जासूसी इस वक्त हमें नहीं पता कि इंडिया के बहुत सारे शायद राह के एजेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान की छोटी छोटी चीज़ें जब वो वहाँ पे पहुँच रही होती हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में कुछ होता है तो इंडिया को किस तरह पता लग जाता है पाकिस्तान के अंदर, या इंडिया में कुछ होता है तो ये एजेंट्स पाए जाते हैं। अब किस तरह से किया गया वो आप एक अलहदा बहस है। हाँ, ये चेक एंड बैलेंस जिस तरह इसरो है, जिस तरह ये DRDO है और ये इसी तरह जितने और दूसरे लोग हैं, अगर वो जिस तरह से कर रहे हैं तो ये उन्हें चाहिए कि उनके ऊपर इस हद तक चेक एंड बैलेंस है कि वो इस तरह की कभी की चीज़ ना करें, और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब नुकसान भी पहुँच सकता है अगर पाकिस्तान को इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो सारे मामले का पता लग जाए कि हाँ भाई इंडिया क्या चल रहा है और इंडिया क्या कर रहा है। सो ये थी आज की एक वीडियो, और आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को नहीं जाता, दुआ में याद रखें, अल्लाह ने